नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कभी खासम खास रहे अखिलेश यादव और रघुराज प्रताप सिंह और फराजा भैया के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 36 का आंकड़ा रहा। दोनों एक दूसरे पर खूब हमलावर रहे। आखिर ये सब चीजें शुरू कहां से हुई, ये जानना बेहद जरूरी है। एक वक्त हुआ करता था जब राजा भैया और अखिलेश यादव बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ने राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी। आलम यह रहा कि इस चुनावी मौसम में दोनों के बीच बातों ही बातों में खूब कहा सुनी हुई, यहां तक कि अखिलेश ने राजा भैया को पहचानने तक से इनकार कर दिया था। ये कौन है, किनका नाम ले रहे हो आप, कौन ले नाम ले रहे हो, ये कौन है, कौन है, ये कौन है। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कुंडा को असल आजादी के मायने बताकर माहौल को और गर्म कर दिया। ये बात राजा भैया को भी काफी बुरी लगी। और बताओ कुंडा के लोगों, यहाँ पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। वहीं दूसरी तरफ राजा भैया भी अखिलेश पर निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने बता दिया कि कुंडा का अपमान करके कोई भी सत्ता तक नहीं पहुंच सकता। राजा भैया ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट कर अखिलेश को बखूबी जवाब दिया। इसी तरह से पूरे चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राजा भैया आमने सामने रहे। वार पलटवार दोनों के बीच खूब देखने को मिला, लेकिन इस बीच इसकी चर्चा खूब रही कि एक वक्त अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से सपा अध्यक्ष इतने नाराज क्यों हैं? क्योंकि सभी को पता है कि राजा भैया यादव परिवार के कितने करीबी रहे हैं और उनका रिश्ता सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से कितना अच्छा रहा है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि दूरियां इतनी बढ़ गई, या फिर इस मनमुटाव की बात कहां से शुरू हुई जो आज यहां तक पहुंचाई कि दोनों एक दूसरे पर बात नहीं करना चाहते हैं, और बात भी करते हैं तो एकदम तीखे और तल्ख अंदाज में। फिलहाल आपको ये जानना जरूरी है कि रघुराज प्रताप सिंह और फराजा भैया और अखिलेश यादव के बीच तल्खियां कहां से बढ़ना शुरू हुई और बसपा सुप्रीमो मायावती का इसमें क्या रोल रहा, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। पूरा मामला समझने के लिए आपको ले चलते हैं साल 2019 में। इसी साल देश में आम चुनाव थे। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था। जब दो धुर विरोधी एक साथ आए तो सबको हैरानी हुई। फिलहाल सब जानते थे कि यह गठबंधन मायावती ने अपना राज्यसभा का रास्ता साफ करने के लिए किया था, लेकिन इस गठबंधन से राजा भैया नाराज हो गए क्योंकि मायावती और राजा भैया के बीच 36 का आंकड़ा जग जाहिर है। दोनों दलों के गठबंधन पर राजा भैया की नाराजगी खुलकर सामने आई। अखिलेश यादव के साथ भी उसी समय से राजा भैया के रिश्ते खराब होना शुरू हो गए। गठबंधन के बाद राज्यसभा चुनाव 2019 के दौरान दोनों नेताओं के रिश्तों में कड़वाहट ज्यादा हो गई। दरअसल अखिलेश यादव चाहते थे कि राजा भैया गठबंधन के तहत राज्यसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी मायावती को वोट दें, लेकिन उन्होंने मायावती के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी को वोट कर दिया। बस इसके बाद से ही राजा भैया और अखिलेश यादव दो अलग अलग दिशा में चल पड़े और दोनों की कड़वाहट कभी कम नहीं हुई। राजा भैया ने तो यहां तक कह दिया था कि अखिलेश यादव के साथ हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मायावती के साथ हूं। बस यही वजह रही कि राजा भैया और अखिलेश यादव आज भी दोनों पर तीखे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। राजा भैया अब अपनी नई पार्टी बना चुके हैं तो अखिलेश यादव सपा के मुखिया हो चुके हैं। फिलहाल दोनों में तल्ख तेवर इस विधानसभा चुनाव में देखने को बखूबी मिले हैं और कुंडा इसका गवाह है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राज्यसभा चुनाव से लेकर यूपी विधानसभा चुनाव 2022 आने तक दोनों खासम खास अलग अलग दिशा में हो चले हैं। अब आप बखूबी समझ गए होंगे कि किस तरह से मायावती की वजह से राजा भैया और अखिलेश यादव में खटास 2019 में आई, जो आज भी जारी है,
जिसका उदाहरण हम सभी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश चुनाव में देखा, जहां पर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अखिलेश यादव आमने सामने थे और दोनों एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे थे।